How are you all doing? If you all are doing great, show me two dancing thumbs quickly. Come on. Okay, Daksh is showing me. Samuel is showing me. Aradhe, Navya, Navika. Wow. Sachi, dancing thumb. Virtual me dancing nahi dikta. Chesta, same for you. Okay. Wow, that's amazing. Okay, and I can see the beautiful heads, huh? Also nodding alongside. So all of you energized for the day. It's so chilly. So you still have energies? Your office are feeling cold. Or are you tightly packed, huh? Take care, right? Yeah, take care of yourself. It's pretty cold outside. Okay, Vaishnavi wants to say something. Yes, Vaishnavi. Ma'am, today I have made a painting. Okay. This is okay. You are showing your hand, two Yes, ma'am, fingers. my finger hurts. Ma'am, Oh. my shading. Okay, it's looking pretty, Vaishnavi. Thank you, ma'am. Yeah, okay. Now, people, for today's class, also know we'll be going little creative. So, अब creative होना है तो हमें कुछ तो चाहिए काम करने के लिए. तो आप आज ना एक शीट ले लीजिए. अगर आपके पास शीट नहीं है तो ड्राइंग फाइल ले लीजिए, नहीं तो रफ नोटबुक, जो भी आप यूज करते हो. जस्ट गेट दैट, गेट एनी कलर्स, स्केच कलर्स, पेंसिल कलर्स, क्रेयॉन्स, जो भी कलर्स हैं आपके पास, गेट दोस. एंड ऑल्सो गेट योर ड्यू ड्रॉप्स बुक. ओके, सो यू नीड थ्री थिंग्स. यू नीड योर ड्यू ड्रॉप्स बुक, यू नीड अ शीट और अ रफ नोटबुक और अ ड्रॉइंग शीट और अ ड्रॉइंग फाइल, वट एवर यू हैव टू राइट, एंड कलर्स, एनी कलर्स विल वर्क. ओके, just be ready with it, and once you're ready, just give me a thumbs up so that I know you're ready, and I give you the instructions what's supposed to be done. Okay, Ishika is pretty quick. Navya has given the thumbs up. Vaishnavi has given the thumbs up. All right, very fast people I have, huh? Chesta, Mihir, wow, you guys work so fast. Daksh, great. Was it like you read my mind? आज किसी ने मेरा माइंड तो नहीं पढ़ लिया कि पहले ही सबको इन्फॉर्म कर दिया कि आज मैम ये कराएंगी? हाँ, हु वाज द मैजिक लीडर टुडे? ओके, सुहाना वांट्स टू से समथिंग. नो शी डजंट. ओके, वैष्णवी वांट्स टू से समथिंग. यस वैष्णवी. मैम ये सब रद्दी चीज मैं अपने साथ लेके बैठती हूँ। ओह दैट्स नाइस. सो यू नो कि मैम कभी भी हमें बोल देंगी. हाँ, यस मैम, कभी भी राइट, एक्टिविटीज हो जाती है ना इसकी। दैट्स नाइस. इट्स गुड दैट यू प्लान बिफोर हैंड, दैट्स अमेजिंग. ओके, सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज आई टेल यू दैट. ठीक है, आज हम थोड़ा सा क्रिएटिव हो रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम ना ड्राइंग देख रहे हैं कि कौन कितनी ब्यूटीफुल बनाता है. ये हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है. ठीक है, और कलर्स हम इसलिए यूज कर रहे हैं ड्रॉ करने के लिए क्योंकि पेंसिल स्क्रीन पे नहीं दिख पाता. ठीक है, तो इसलिए आप डायरेक्टली कलर से बनाओगे, और आपको ये नहीं सोचना कि मेरा बर्ड ठीक बन रहा है नहीं, मेरा ट्री ठीक बन रहा है नहीं कलर से. नो, हमारा ऑब्जेक्टिव परफेक्ट ड्राइंग बनाना नहीं है. ठीक है, तो अगर आपका ट्री थोड़ा खराब भी हो जाता है या कोई पिक्चर थोड़ा खराब भी हो जाता है, कोई बात नहीं. ओके, क्योंकि हम किसी की ड्रॉइंग नहीं असेस कर रहे, हम उससे कुछ सीखने वाले हैं. वो सीख हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ज्यादा. तो अब हमने क्या बनाना है, आपने अपने पास एक गार्डन बनाना है, आपकी मर्जी. आपको छोटा गार्डन बनाना है, बड़ा गार्डन बनाना है, पूरे शीट पे बनाना है, हाफ शीट पे बनाना है, इट्स कंप्लीटली योर चॉइस. कौन से कलर से बनाना है वो भी आपकी मर्जी. आपको क्रेयॉन्स बेटर लगते हैं, आपको स्केच कलर्स बेटर लगते हैं, पेंसिल कलर्स बेटर लगते हैं, जो कलर्स आपको अच्छे लगते हैं आप उससे बनाओ. और आप कोई भी कलर से कुछ भी बना सकते हो. तो कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि मैंने ग्रीन ही यूज करना है लाइट ग्रास के लिए. आप डार्क ग्रीन भी यूज कर सकते हो, आपको येलो बनाना है आप येलो बना सकते हो. सो दैट्स कम्प्लीटली अप टू योर चॉइस व्हाट कलर्स यू वांट टू यूज, इवन द टोन ऑफ द कलर यू वांट टू यूज. ठीक है, बट आई जस्ट हैव टू कंडीशन इन दिस गार्डन, कि इस गार्डन में आप कोई फ्लावर नहीं बनाओगे और कोई स्टोन या पेबल नहीं बनाओगे. ठीक है, तो फ्लावर नहीं बनाना हमने और स्टोन या पेबल नहीं बनाना. उसके अलावा आप कोई भी कलर बना सकते हो, मतलब कुछ भी बना सकते हो. आपको बर्ड्स बनाने हैं, आपको बच्चे खेलते हुए दिखाने हैं, आपको स्विंग्स बनाने हैं, आपको कोई वाटर बॉडी जैसे पॉन्ड दिखाना है, या माउंटेन से कोई स्ट्रीम आता हुआ दिखाना है. इट्स कंप्लीटली अप टू योर चॉइस. आपको स्काई दिखाना है, सन दिखाना है, कुछ भी दिखाओ आप.
इट्स योर गार्डन. तो जो आपके माइंड में आता है फटाफट से वो बना लो, और कलरिंग नहीं करनी, आपने सिर्फ ड्रॉ करना है. और हम पेंसिल के बजाय कलर्स यूज कर रहे हैं ड्रॉ करने के लिए. ओके, हमें कलरिंग नहीं करना उसके अंदर. क्लियर? और क्या दो चीजें नहीं बनानी? फ्लावर्स एंड सेकेंड थिंग स्टोन या पेबल. आर वी ऑल क्लियर विद द इंस्ट्रक्शन? राइट, शैल वी बिगिन? सो इट्स 33 राइट नाउ, अराउंड 12:47 मिनट्स है आपके पास. वील वाइंड अप विद दिस वर्क. सो क्विकली फिनिश इट, फिर मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी हमने गार्डन में उसके आगे क्या करना है. सो 7 मिनट्स में आपका ये फिनिश हो जाना चाहिए. ओके, सो स्टार्ट विद इट प्लीज एंड लेट्स लिसन टू पीपल. यस आफिया. मैम, आई एम एट माय ग्रैंडमदर्स हाउस. सो व्हाट बेटा? Afia? I cannot make it now. Mama, do you then you can't do anything with that. Do you have any pens around? आपके पास कोई notebook तो होगा ना? Rough notebook आपके पास होगा ना? Afia, और आपके पास pens भी होंगे? Pen, pencil कुछ नहीं है आपके पास? Because if you will not make it now, activity will not hold any relevance. क्योंकि इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आप मुझे बाद में करके भेजो. हमें जो करना है अभी ही करना है, क्योंकि हम उससे कुछ सीख रहे हैं. तो अगर आपके पास पेंसिल है, आप पेंसिल से बना लो. कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल कलर का नहीं है. ओके, और कोई रफ नोटबुक आप ला सकते हो, या कोई छोटा पेपर मिल जाए आपको, गो एंड अरेंज दैट. बिकॉज आई एम श्योर योर ग्रैंडमदर विल बी हैविंग सम नोटबुक और अ डायरी. तो आप डायरी का पेपर भी यूज कर सकते हो. क्विकली गो एंड गेट इट. Yes, Sachi. Ma'am, I see. Ma'am, हमें सबसे पहले अगर ma'am हम लोग draw करेंगे उस garden को, तो ma'am अगर हमें big बनाना तो ma'am हम big भी बना सकते हैं. It's your choice, beta. You have 7 minutes now. Five minutes are left. 5 minutes, 2 minutes are over. So accordingly, आप बना लो. Right. Okay, ma'am. Yeah. Yes, Arif. Ma'am, we can make trees. Yes, you can. I just said no for flowers and stones or pebbles. Okay? Rest, you can make anything. Yes, Suhana? Ma'am, dot out. Ma'am, wo galti se ho gaya tha handle. If it is by mistake, you can always lower your hand by pressing the same button. Yes, Karthik? Ma'am, I made. Is this the garden? Or you are showing me some drawing of yours, Peta? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Is for what? Ma'am, I make tree. Are you showing me your drawing जो आपने पहले बना रखी है, या आप अभी मुझे garden बना के दिखा रहे हो? मैं आपसे ये question कर रही हूँ, बेटा. Ma'am, हमने ये morning में बनाई थी. तो फिर मैंने मॉर्निंग वाली तो नहीं देखनी ना. आप अभी दोबारा से गार्डन बनाओ. ओके मैम. गार्डन में जरूरी नहीं है कि ट्री हो, वो भी ड्राई हो. इट कैन आल्सो हैव लीव्स. सो मेक अ गार्डन प्लीज. थ्री मोर मिनट्स प्लीज टू क्विकली डू द वर्क. प्लीज सिट ऑन द चेयर. Please hurry up, there are 3 more minutes.
Two more minutes. Yes, Mokshita. Mokshika, आपने फिर म्यूट कर दिया बेटा. मैम जब हम ड्राइंग बना रहे हैं तो हमें ड्राइंग बनाने के बाद इस ड्राइंग में कलर भी करना है. नहीं, आपको डायरेक्टली कलर से ड्रॉ करना है बेटा, कलरिंग नहीं करना. ओके मैम. या लास्ट 1 मिनट फॉर पीपल हु आर स्टिल डूइंग. ओके उबिका, आई हैव सीन योर गार्डन. It's rightly done. You've used colors and made it. It's correct. So Ubika is through. Okay, Arav, I can see your garden also, Bita, but I would request you to do some outline. Koi color se outline kar dijiye so that it's more clearer. Okay, and there are people who have their videos off. Please turn it on. Darsh, Navika, Vaishnavi, Arav, Viresh, then it's Priyanshu, Afroz, Umang, Ramsha, Mayang, Pat, Mohammed Faiz. Please open your videos so that the work is visible. Okay, Manan has done, Ubika has done, Arnav has done. Right. Vaishnavi has also made. Vaishnavi, ek bar outline kar lijiye beta kisi color se so that it's visible more clearly. I can see though. Okay, you are trying it with the black. All right. Yes, Ipshita. Ipshita, I don't see it as a garden. Is this the work that you did in the morning? It is not looking like a garden to me, Beta. It looks just one portion of the tree, that's it. Yes, Vaishnavi. Ma'am, this is my second device with mobile. Ma'am, my video off was the device for my computer. So you can log out from the second one if this one is working. Okay. Ma'am, but you find that ma'am, usme na video camera, audio camera nahi available hai. Maine isse bhi learn kiya. तो मैं वही कह रही हूँ, आपने इससे कर लिया ना तो दूसरा वाला जिसपे अवेलेबल नहीं है आप उससे लॉग आउट कर सकते हो. फिर यू विल बी हियर ना इन दिस मीटिंग विद दिस डिवाइस, राइट? ओके, सो राइट पीपल, अब हमने नेक्स्ट क्या करना है. ओके इप्सिता, आई कैन सी योर कलर्ड गार्डन, इट्स लुकिंग नाइस. ओके नव्या हैज आल्सो डन विद टू चिल्ड्रन प्लेइंग एज वेल. ओके अब हमने क्या करना है, अब आगे का टास्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो लिसन टू मी वेरी केयरफुली. नाउ पिक अप टू कलर्स, वन कलर फॉर फ्लावर्स. सार्थक, आई हैव सीन योर कलर ड्राइंग, इट्स लुकिंग नाइस बेटा. नाउ लिसन टू द इंस्ट्रक्शन, पिक अप टू कलर्स, वन कलर यू विल यूज फॉर मेकिंग फ्लावर्स एंड वन कलर यू विल यूज फॉर मेकिंग अ स्टोन. आपकी मर्जी आपको फ्लावर कौन से कलर से बनाना है, आपकी मर्जी आपको स्टोन कौन से कलर से बनाना है. Okay, that's completely your choice. But quickly pick out two colors. अब हमें flower कब बनाना है और stone कब बनाना है, I'll tell you and give you the instruction for it. So listen to me very carefully. कल से लेकर आज तक या तो आपने किसी को किसी से like माफी मांगी हो, आपने कोई गलती करी हो और आपने माफी मांगी हो, right? या आपसे किसी ने मांगी हो, किसी और ने गलती करी और उन्होंने आपसे माफी मांगी हो, तो आप फ्लावर बनाओगे अगर आप उस बात को भूल चुके हो कि वो क्या इंसिडेंट था जिस वजह से आपने माफी मांगी या दूसरे ने माफी मांगी. ठीक है, अगर आपको बात याद नहीं है पर आपको ये याद है कि हाँ मैंने माफी मांगी थी, तो आप फ्लावर बनाओगे. और अगर आपको बात याद है कि आपने क्यों माफी मांगी थी या किसी और ने क्यों माफी मांगी थी, तो आप फ्लावर की जगह स्टोन बनाओगे. ओके, आई रिपीट इट वंस अगेन.
कल से लेके आज तक याद करो कोई ऐसी बात जब आपने किसी को सॉरी कहा, माफी मांगा, या किसी ने आपसे माफी मांगा और आपने माफ कर दिया लेकिन आपको वो बात पूरी याद है, या उन्होंने आपको माफ कर दिया पर आपको बात पूरी याद है कि क्या हुआ था और क्यों आपने माफी मांगी थी, तो आप स्टोन बनाओगे। और अगर आपको बात नहीं याद है कि क्या हुआ था, ये याद नहीं है, बट हाँ माफी मैंने भी मांगी, उसने भी मांगी और हमने एक दूसरे को माफ कर दिया, तो आप फ्लावर बनाओगे। ठीक है, तो कल से लेके आज तक, आज के दिन तक, अभी तक के दिन तक, जस्ट थिंक एंड ड्रॉ, एंड यू कैन यूज एनी कलर फॉर द फ्लावर एंड यू कैन यूज एनी कलर फॉर योर स्टोन, बट टेक ओनली टू कलर्स, ओके, वन फॉर फ्लावर एंड वन फॉर स्टोन। सो थिंक, आई गिव यू 2 मिनट्स टू थिंक एंड मेक इट, एंड देन वी कम टू द डिस्कशन। So all those people who have raised your hand, I'm lowering it right now. So once you are through, you may raise it then, so that I know that you are ready with your flowers and stones in the garden. Okay? So flower, अगर आपसे किसी ने माफी मांगी या आपने किसी से माफी मांगी पर आपको बात नहीं याद, तो flower बनाएंगे, और अगर आपको बात याद है पूरी कि क्या हुआ था, तो आप stone बनाएंगे अपने गार्डन में। ओके, आरव हैज मेड वन स्टोन दैट आई कैन सी। ओके, सो वंस यू आर थ्रू यू मे जस्ट लेट मी नो। आरव, आई कैन सी योर वर्क, लेट्स गिव 1 मिनट टू अदर्स, देयर इज 1 मोर मिनट स्टिल, लेट देम कंप्लीट। ओके, इप्सिता हैज मेड अ फ्लावर, बेटा उसी गार्डन में फ्लावर बनाना है, अलग पेज पे नहीं बनाना, हम गार्डन में फ्लावर बना रहे हैं अपने। ओके, ऑलराइट नव्या, आई हैव सीन इट, लेट्स वेट फॉर अ कपल ऑफ सेकंड्स नाउ, सो आई विल काउंट टू 20 एंड देन वी बिगिन द डिस्कशन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay, Afroz, I can see your work. Nabya has done, our love has done. तो अब हम, अब आप बैठ के सोचो कि ये जो गार्डन है ना, ये आपका माइंड है जो आपने बनाया है। ठीक है, अब इस माइंड में आपको क्या ज्यादा अच्छा लगेगा, आपको फ्लावर्स ज्यादा अच्छे लगेंगे या स्टोन्स? हु वुड लाइक टू आंसर? ऋषिका मैम, यस Mm. Yeah, so what have you made in it? You made flowers or stones? Ma'am, stone. You made a stone. Okay. So आपको इसका इसमें क्या पसंद आएगा ज्यादा? अगर ये गार्डन आपको माइंड है, फ्लावर्स आएंगे और स्टोन्स क्यों नहीं आएंगे? मैम, क्योंकि जो स्टोन्स होते हैं वो हमें अच्छे नहीं लगते, वो किसी भी चीज को, अगर वो किसी भी चीज से लग जाते हैं तो या तो उसे चोट लग जाती है, अगर वो किसी चीज से लग जाते हैं तो वो थोड़े से हम अलग शेप में हो जाती है, इसलिए हमें फ्लावर्स पसंद है। राइट, क्योंकि स्टोन थोड़े हार्ड है ना? राइट, अब ये जब हमने एक्टिविटी करी फॉरगिव करने वाली, आविष्कार सीनियर ड्रॉइंग आल्सो बेटा, आई जस्ट आस्क एवरीवन टू शेयर वंस We are through with this part of the discussion, right? तो ये जो हमने गार्डन बनाया और हम इसे कह रहे हैं कि ये हमारा माइंड है, अब आपके माइंड में सोचो, अगर हम सब गलती करते हैं, है ना, और अगर हम गलती करते हैं तो बाकी लोग भी तो गलती करते हैं ना, और हम सब सॉरी बोलते हैं, बाकी लोग भी बोलते हैं, तो हम सॉरी क्यों मांगते हैं? ताकि हमें माफी मिल जाए, फॉरगिवनेस मिल जाए। तो जो हमने अपने गार्डन में फॉरगिवनेस दिखाई है, अगर तो वो फ्लावर है, इसका मतलब कि मुझे कोई बात नहीं याद, बट आई एम हैप्पी कि हाँ मैंने फॉरगिव कर
दिया, ये मुझे किसी ने फॉरगिव कर दिया। क्या स्टोन वो हैप्पीनेस दे रहे हैं आपको? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको बात याद है, और अगर आपको बात याद रहेगी तो आप डिस्टर्ब रहोगे या नहीं रहोगे? परेशान रहोगे ना। तो क्या इसका मतलब हमने सच में माफी दे दी, हमने फॉरगिव कर दिया? नहीं किया। क्योंकि फॉरगिवनेस का असली मतलब होता है कि जब हम किसी को माफी देते हैं तो हम भूल जाते हैं कि क्या हुआ था। बट अगर हम नहीं भूले तो इसका मतलब हमने स्टोन्स बनाए हैं। अब सोचो, अगर मैं कहती कि इस गार्डन में जितने स्टोन्स हैं आप उसे कैरी करो, वेट उसका, क्या आप कैरी कर पाओगे? गिव मी अ थम्स अप फॉर यस एंड थम्स डाउन फॉर नो। नहीं। तो अगर हम ऐसी सारी बातें याद रखते जाएंगे, सोचो कितना वेट हमारे माइंड में होगा। हम खुद तो कैरी नहीं कर पा रहे, हमारा माइंड कैसे कैरी करेगा? तो इसलिए जब हम फॉरगिवनेस बोलते हैं ना कि हमने किसी को माफ किया, या जब हम किसी से माफी मांगते हैं, तो उस बात को हमें उसके बाद भूल जाना चाहिए, ताकि हम उसका स्टोन वाला वेट कैरी ना करें। बट अगर हमारे गार्डन में फ्लावर्स हैं कि हाँ वी आर हैप्पी कि हाँ हमसे गलती हुई, हमने माफी मांगी और हमने सामने वाले ने माफ कर दिया, राइट, अब हम ये गलती नहीं दोहराएंगे, तो वो जो फ्लावर्स हमारे माइंड में है उसका वेट आप कैरी कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? अगर बहुत सारे फ्लावर्स हैं, यस कर सकते हो, और आपको मजा भी आएगा कैरी करने में, बिकॉज यू विल हैव ब्यूटिफुल फ्रेग्रेंसेस, राइट, ऑफ दोस फ्लावर्स। सो दिस इज व्हाट फॉरगिवनेस इज ऑल अबाउट, कि जब हम किसी से माफी मांगे या जब हमें कोई माफ करे तो हम उस बात को भूल जाए। अब सोचो, अगर मिस्टेक मुझसे हुई थी, ठीक है, मुझसे मिस्टेक हुई थी कोई, अब मुझे सामने वाले से मैंने माफी मांगी, उसने मुझे फॉरगिव कर दिया, बट मुझे अभी भी पूरी याद है बात, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं मैंने अपने आप को फॉरगिव नहीं किया ना? कैसे आई नो? तो फॉरगिवनेस सिर्फ दूसरों के लिए नहीं होती, अपने लिए भी होती है। अगर आपसे कोई गलती हो गई, आप उसको सुधार सकते हो, आप अपने माइंड को याद दिला सकते हो कि मुझे ये गलती दोबारा नहीं करनी। बट अगर आप अपने आप को माफी नहीं दोगे तो आप अपने आप से गिल्ट में रहोगे ना, परेशान रहोगे, उदास रहोगे, गिल्ट में रहोगे या नहीं रहोगे? अपने आप से हेट भी करोगे, है ना? तो इसलिए खुद को भी माफी देना जरूरी होता है और दूसरों को भी होता है। ओके, अब सोचो जो लोग है ना माफी दे देते हैं, उनमें कुछ क्वालिटीज होती हैं, ठीक है? अब अपनी बुक का पेज 55 खोलो, लेट सी कि उनकी क्या क्वालिटीज होती है। ओपन पेज 55 ऑफ योर बुक। ओके, सो पेज 55 में लेट्स नो, टू फॉरगिव अदर्स वन शुड हैव सम क्वालिटीज, सो पुट अ टिक अगेंस्ट क्वालिटीज दैट वुड लेट यू फॉरगिव। तो आपकी आपके अंदर ऐसी क्या क्वालिटीज होंगी जो आपको किसी को भी फॉरगिव करने में हेल्प करेंगी? सो पुट अ क्रॉस अगर वो क्वालिटी नहीं होनी चाहिए, एंड विल पुट अ टिक अगर होनी चाहिए, ठीक है? सो लव, क्या हमारे अंदर लव एज अ क्वालिटी होना चाहिए अगर हमें किसी को माफ करना है? सैमुअल, यस मैम, यस और नो बेटा? फॉर लव अगर हमें किसी को माफ यस मैम, करना है तो ओके, सो वी विल पुट अ टिक, राइट, लव के लिए पुट अ टिक। ओके, देन इट सेज वॉयलेंस, वॉयलेंस लड़ाई, क्या लड़ाई वाला होना चाहिए? ओके, इट्स नो। सुहाना, व्हाट्स योर आंसर? नो मैम। ओके, सो इट शुड बी नो। नेक्स्ट इज कंपैशन। कंपैशन होता है किसी के ना प्रॉब्लम को, दुख को समझना और कोशिश करना उसकी हेल्प करने की, ठीक है? तो अब होना चाहिए या नहीं मिहिर? यस मैम, कंपैशन होना चाहिए। ओके, सो चेष्टा ऑल्सो सेज यस बाय गिविंग अस अ थम्स अप। ट्रस्ट, क्या हमें विश्वास होना चाहिए? ट्रस्ट, ओके, चेष्टा हैज गिवन द आंसर। मोक्षिका, व्हाट्स योर आंसर फॉर ट्रस्ट? यस मैम, होना चाहिए। ओके, ट्रस्ट डेफिनेटली होना चाहिए। मैम पेज 55 बता। नेक्स्ट इज एरोगेंस। एरोगेंस होता है घमंड,
क्या हमारे में घमंड होना चाहिए अगर हमें किसी को माफी देनी है या लेनी है किसी से? सार्थक सार्थक प्लीज अनम्यूट। यस मैम। घमंड होना चाहिए? एरोगेंस? नो मैम। नो मैम। सो वील पुट अ क्रॉस फॉर एरोगेंस। Write me here and Cheshta and okay, Pratyush has also given us the answer by putting across selflessness. Selflessness होता है जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं इसलिए क्योंकि हम दिल से मदद करना चाहते हैं, हम इसलिए नहीं करते कि हमें उससे कुछ चाहिए. So we don't want anything in return. That is being selfless. So क्या selflessness होनी चाहिए अभिमन्यु? Okay, Cheshta has given answer. Vaishnavi has given the answer. Right. So put a tick. Kindness. क्या हम kindness होना चाहिए? हमें kind होना चाहिए अगर हम किसी को forgive करना है. Okay, Ishika, Cheshta, Arav says yes by giving us a thumbs up. Right. Next is helpfulness. क्या हमें helpful होना चाहिए? Okay. Jaiditya, please unmute and answer this. Afia, I got your answer. Ma'am. Arav, I got your answer. Haan ji beta, helpful hona chahiye? Yes, ma'am. Ko maaf karna hai. Okay, so put a tick, please. All right. Right, Adya. Okay, and the last one, intolerance. Intolerance, yani ki hum kisi ki baat ko na tolerate nahi karte, bardash nahi karte. Okay, that's intolerance. So, right or wrong? Daksh, please unmute and answer the last one. Haan, Daksh, bataiye, hona chahiye ya nahi? Say yes or no? No, ma'am. Okay, so please put a cross for intolerance. अब हमें ये तो समझ आ गया कि फॉरगिव करने का मतलब क्या है, ठीक है, और क्यों हमारे लिए फॉरगिव करना थोड़ा मुश्किल होता है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दैट. क्यों हमारे लिए मुश्किल होता है किसी को भी फॉरगिव करना? कैन एनीवन थिंक व्हाई इज इट डिफिकल्ट? फॉरगिव करना क्या है? समझ आ गया कि हम किसी को माफी दें और याद नहीं रखेंगे क्या हुआ था. राइट, हमें क्वालिटीज भी समझ आ गई, हमें ये भी समझ आ गया कि हमें सिर्फ दूसरों को ही फॉरगिव नहीं करना, खुद को भी करना है ताकि हम नेगेटिव फीलिंग्स या थॉट्स में ना स्टक हो, अपने पे गिल्ट ना करें. बट हम क्यों माफी नहीं दे पाते, क्यों मुश्किल होता है मेहर? क्योंकि मैम मेहर बताइए, आप अनम्यूट हो बेटा. मैम क्योंकि मैम हम ना हम उससे चलते हैं क्या, फिर मैम हमें ना उसी तरफ ना अच्छे व्यूज नहीं होते मैम उससे. ओके, क्योंकि हम किसी के लिए अच्छे व्यूज नहीं कैरी कर पाते, इस वजह से भी हो सकता है, क्योंकि हमारा परसेप्शन ऐसे ही हो जाता है कि ये तो ऐसे ही है, हमेशा ही ऐसे था, या इसने सबके साथ ही ऐसे किया तो मेरे साथ भी ऐसे करेगा. डेफिनेटली हमारे परसेप्शंस ऐसे हो सकते हैं. सैमुअल? यस मैम. मैम जो मैम क्वालिटीज थी उसमें मैम आपने जेलेसी वाला नहीं करवाया. ओह आई एम सॉरी, जेलेसी? देन यू टेल मी व्हाट इट शुड बी, अक्रॉस और टिक? जेलेसी, ओके, चेष्टा से इज क्रॉस, राइट, सो जेलेसी नहीं होनी चाहिए, डेफिनेटली यस. Okay, let's watch one video to understand this a little more. कि क्यों difficult हो जाता है कभी कभी किसी को sorry कहना या किसी को माफी देना actually या माफी खुद को माफी देना. Okay, I'll share a video. Can you all see the screen? No, ma'am, it's not visible.
Ma'am's screen is not visible. Ritika ma'am, I have rejoined in because of the network issue. Yeah, it was not visible actually. Yeah, I've rejoined in, which is why there was a network issue. I just rejoined. Let me share it once again. Okay. Yeah. Okay. Can we all see the screen now? Yes, ma'am. It's visible now. Okay. But this is not moving. Just a second. Okay, people, let's watch the video. I'll just share the sound first, right? In a beautiful meadow, up in a tall tree, there lived a colony of bees. The bees were all friends. When they were flying together, sometimes the bees would accidentally run into each other. "I'm sorry," the bee would say. "That's okay." "I forgive you," the other bee would say. And the bees would keep flying together. They went on flower hunts together. They had bee races together. They worked together. And they flew way up high into the sky together. The bees were happy. But one day, something different happened. Two bees crashed into each other. "I'm sorry," said the first bee. "You got in my way," the angry bee said. "I'm not flying with you anymore." The angry bee flew away. "I'll show you," the angry bee said. The angry bee landed on a leaf and waited for the other bee to feel bad. "I'm gonna sit here all day." It was time to go on a flower hunt. All of the bees went looking for flowers together. But not the angry bee. He sat on a leaf being angry. "I'll show that bee," the angry bee said. "I'm going to sit here all day." Now it was time for a bee race. They flew as fast as they could, and they all had fun racing. But not the angry bee. He sat on a leaf, being angry. "I'll show that bee," the angry bee said. "I'm going to sit here all day." Now it was time for the bees to make honey. All of the bees worked very hard, and they made lots of honey together. But not the angry bee. He sat on a leaf, being angry. "I'll show that bee," the angry bee said. "I'm going to sit here all day." Now it was time for the bees to fly really high up in the sky. They loved seeing who could fly the highest, and they flew up, up, up into the clouds. But not the angry bee.
He sat on a leaf, being angry. "I'll show that bee," the angry bee said. "I'm going to sit here all day." But it wasn't working. All of the other bees were still happy. The other bees asked the angry bee to come and fly with them. "No, I'm still mad at him," said the angry bee. "Okay," said the bees. "We'll see you later then." The angry bee started to feel a little bit sad. He missed flying with the other bees. And he wanted to go on flower hunts again and help make honey. "I could be happy again," the bees said. "And I could do all my favorite things. All I have to do is forgive." He thought about it, and then... So that was the story. Now can anyone tell me ki kyun hum forgive nahi kar pate aasani se kisi ko? Can anyone share? Or anyone who would like to guess the reason? All right, Vaishnavi. Ma'am, can you repeat the question? Kyun hum kisi ko beta forgive nahi kar pate aasani se, even apne aap ko bhi nahi kar pate? Why? Ma'am, kisi ko aasani se forgive nahi kar pate. मैम क्योंकि जो वो करता है ना, जैसे अगर वो हमारे साथ कोई गलती कर दे या उससे गलती से हो जाए तो मैम हम उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, किस लिए किया, तो और उससे बात करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा पूरा दिन, जितना भी हमारा आगे का दिन होता है उस दिन के बाद, हमारा एकदम सैड जाता है जब तक हम उसको फॉरगिव या फिर उससे हम फॉरगेट नहीं वो फॉरगिव नहीं मांग नहीं देते. Right. Very true. So it becomes difficult because we become so angry. तो हम उस anger से बाहर नहीं आ पाते और हमारा ego आ जाता है. अब मैं उसको दिखाऊंगा उसे मेरे साथ क्या किया, मैं नहीं बात कर रही, मैं ये नहीं कर रही, मैं वो नहीं कर रही. आता है ना माइंड में, वही उस बी के माइंड में था कि मैं उसको दिखाऊंगी मैं कितनी एंग्री हूँ, मैं उसको दिखाऊंगी कितनी एंग्री हूँ. एंड एज अ रिजल्ट क्या हुआ, जब उसने फॉरगिव नहीं किया तो क्या इफेक्ट आया उस पे? बताओ, एंग्री बी पे क्या इफेक्ट आ रहा था जब वो फॉरगिव नहीं कर रही थी तो? नव्या, मैम वो मिस कर रही थी अपनी हैप्पी थिंग्स को. और मैम वो साथ में काम करना मिस कर रही थी और बहुत कुछ मिस कर रही थी. तो हम ये सब मिस करते हैं जब हम माफ नहीं कर पाते अपने आप को या किसी और को. हम उसी थॉट में स्टक रहते हैं, उसी गुस्से में रहते हैं और हम भूल जाते हैं कि हम तो एंजॉय ही नहीं कर रहे कोई मोमेंट लाइफ का. हम तो लिव ही नहीं कर रहे, हम तो अभी भी वो स्टोन वाला बैग कैरी किए जा रहे हैं. तो इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है फॉरगिव करना, सिर्फ दूसरों के लिए ही नहीं, हमारे खुद के लिए भी, सो दैट वी आर एट पीस, ताकि हम हैप्पी रहे, हम भी शांत रहे और सामने वाले भी रहे. ओके, सो दिस इज व्हाट फॉरगिवनेस इज ऑल अबाउट. माफी खुद को भी देना, दूसरों को भी देना और भूल जाना, सो दैट यू कैन ऑल्सो एंजॉय लाइफ एंड अदर्स कैन ऑल्सो एंजॉय लाइफ एंड यू कैन हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स फॉर यू. ओके, फिर अगर वो गलती उनसे हो जाए फिर ये नहीं बोलना चाहिए पहले भी ऐसे किया था, फिर इसका मतलब हमें अभी भी याद है. ओके, तो जब आप किसी को माफ करो तो दिल से माफ करो, यहाँ तक कि खुद को भी. ओके, और कोशिश यही करो कि गलती रिपीट ना आपसे हो ना सामने वाले से. ओके, सो विद दिस वी वाइंड अप विद दिस सेशन. आई विल जस्ट शेयर द होमवर्क विद यू फॉर टुडे. योर होमवर्क फॉर टुडे इज डू पेज नंबर 59 एंड 60 ऑफ योर बुक. So, see you again. Have a wonderful day and enjoy your day. Bye all. Bye. See you.